क्या आप जानते हैं नारे कैसे लगाया जाता है? यानी कई बार आपको अपने लाइफ में बोलना होता है जिंदाबाद या मुर्दाबाद। यानी कई बार आप किसी लीडर का नाम लेकर या अपने हीरो के नाम से बोलते हैं जिंदाबाद, या फिर आप कहते हैं मुर्दाबाद, और कई बार आप ये भी कहते हैं अमर रहे, जैसे गांधी जी अमर रहें, भगत सिंह अमर रहें। तो आइए फ्रेंड देखें इस तरह के सेंटेंसेस को आप कैसे बोलेंगे, जहां आप कहते हैं जिंदाबाद, मुर्दाबाद, अमर रहें। और यहां मैं आपको बता दूं कि एक व्यूअर का क्वेश्चन है कि माइंड यू क्या है, यानी हमें कब बोलना चाहिए माइंड यू। तो इस कंसेप्ट को हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। तो आइए एक एक करके इन सभी कंसेप्ट को समझें। अगर आपको कहना हो जिंदाबाद तो आप कहते हैं अप विद, यानी मान लीजिए अगर आपको कहना हो लोकतंत्र जिंदाबाद तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अप विद डेमोक्रेसी। अगर आपको कहना हो सामाजिक न्याय जिंदाबाद तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अप विद सोशल जस्टिस, यानी सामाजिक न्याय जिंदाबाद। समाजवाद जिंदाबाद तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अप विद सोशलिज्म, यानी समाजवाद जिंदाबाद। अगर आपको कहना हो सलमान खान जिंदाबाद तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अप विद सलमान खान। अगर आप किसी पार्टी का नाम लेकर जिंदाबाद बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं, जैसे अगर आपको कहना हो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अप विद भारतीय जनता पार्टी। अगर आपको कहना हो कांग्रेस जिंदाबाद तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अप विद कांग्रेस। बाय द वे अगर आपको कहना हो मुर्दाबाद, जैसे कई बार आप कहते हैं आतंकवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, क्षेत्रवाद मुर्दाबाद, धर्मवाद मुर्दाबाद, तो वर्ड मुर्दाबाद के लिए आप कहेंगे डाउन विद। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो आतंकवाद मुर्दाबाद तो आप कहेंगे डाउन विद टेररिज्म, यानी आतंकवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, डाउन विद कास्टिज्म, यानी जातिवाद मुर्दाबाद। अगर आपको कहना हो तानाशाह मुर्दाबाद तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डाउन विद डिक्टेटरशिप। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने दो कंसेप्ट समझा। अगर आपको कहना हो जिंदाबाद तो आप कहेंगे अप विद, उसके बाद आप वो वर्ड बोले जो आप कहना चाहें, और अगर आपको कहना हो मुर्दाबाद तो आप कहेंगे डाउन विद, उसके बाद आप वो वर्ड बोले जो आप कहना चाहें। बाय द वे अगर आपको कहना हो अमर रहें, जैसे अगर आपको कहना हो महात्मा गांधी अमर रहें तो आप कहेंगे इमॉर्टल महात्मा गांधी, भगत सिंह अमर रहें इमॉर्टल भगत सिंह, नेताजी अमर रहें इमॉर्टल नेताजी। यहाँ मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि कई बार जिंदाबाद के लिए लॉन्ग लीव का भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आपको कहना हो सलमान खान जिंदाबाद तो आप कहेंगे लॉन्ग लीव सलमान खान। अगर आपको कहना हो विराट कोहली जिंदाबाद, आप कहेंगे लॉन्ग लीव विराट कोहली। तो वर्ड जिंदाबाद के लिए आप लॉन्ग लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं और यह बहुत कॉमन वर्ड है। आइए अब सीख लें कि माइंड यू क्या है। जब आप किसी को वार्निंग दे रहे हो, यानी चेतावनी दे रहे हो, तो वहां पर आप कहते हैं माइंड यू, जिसका मतलब होता है याद रखना। कई बार आपके लाइफ में ऐसा मौका आता है जहां आप कहते हैं याद रखना, यानी आप उसको वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि याद रखना, यही पर आप कहते हैं माइंड यू, यानी याद रखना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।